वेलकम बैक प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट एंड कलाकार्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गॉड इफेक्ट प्लगइन, गॉड फॉर लोफाई प्रोड्यूसर्स, बट जो इफेक्ट ये क्रिएट करता है ओजी प्लगइन फॉर बीट मेकर्स एंड ईडीएम लवर्स। तो बड़ी बड़ी बातें तो हमने बहुत कर ली, अब देख भी लेते हैं कौन से प्लगइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस प्लगइन की मैं बात कर रहा हूँ वो है नियॉन ग्लो, क्रिएटेड बाय एफएल स्टूडियो लेजेंड आर्केड, जो की जाने जाते हैं उनके मास्टर प्रोडक्शन टेक्निक्स के लिए। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कलर चॉइस बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ये पिंक पर्पल एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन जो कि इसको एक फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है। बीच में आपको एक काफी बड़ा बिग नॉब मिल जाता है जो कि वर्क करता है ऑफ कोर्स लाइक अ मिक्स नॉब। जैसे हमने बात की थी गॉड प्लगइन फॉर लोफाई प्रोड्यूसर्स, तो आप इससे किसी भी तरह के सैंपल को इजीली लोफाई में क्रिएट कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो अभी हम आगे उसी को टेस्ट करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू की बात करूं प्लगइन की, तो यहां पर आपको ए बी सिलेक्शंस मिल जाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट गेन मीटर्स, यहां पर आपको एक प्रीसेट सेक्शन भी मिल जाता है जहां से आप इसके इनबिल्ट प्रीसेट्स को भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक सैंपल ले लिया है कैश्मीर का। यहाँ पर हम प्रीसेट्स में जाएंगे एंड कोई रैंडमली किसी प्रीसेट को चूज कर लेंगे। मैं फर्स्ट वन को ही कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बिल्ड, एंड यहाँ पर हम अब फिर से इसको सुनते हैं। बीच बीच में मैं बाईपास करता रहूंगा। आपने सुना होगा कि जो आपको सटल सी एक एटमॉस्फेरिक वाइब आ रही है, बैकग्राउंड में कुछ घूम सी रही है मेलोडी, वो इसी से हो रही है। एंड यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स इस टाइप के, आप उनको भी चूज कर सकते हो, बट यहाँ मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा कि किस इफेक्ट से क्या चीज होती है। जैसे सबसे पहले वॉश आ जाता है जिसकी हम बात भी कर रहे थे भी। अगर आपको एटमॉस्फेरिक वाइब चाहिए अपने सॉन्ग्स में, जैसे बहुत सारे लव सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, उनमें बैकग्राउंड में एक धीमी धीमी सी मेलोडी चली होती है, आप उसको इससे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको सुनाकर दिखाता हूँ ये करता क्या है। नाम से पता चल रहा है वॉश, यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा या कम कर सकते हो, माइनस एंड जीरो, उसके बाद प्लस में भी। एक बार हम सैंपल के साथ सुनते हैं कि एक्चुअल में करता क्या है। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं ये काफी ब्लेंड होता जा रहा है बैकग्राउंड में। ट्रस्ट मी, ये वाला इफेक्ट मैंने बहुत सारे ट्रैक्स में यूज किया है जब मुझे ये मिला था। ऐसा नहीं कि आप स्टॉक प्लगइन से नहीं बना सकते, बट आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है इस चीज के लिए, स्पेशली रिवर्ब के साथ बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है। और यहाँ पर जस्ट आपको एक नॉब ऊपर करना है, नीचे करना है, दैट्स ऑल। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इसकी, एंड ये इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप बहुत सारी जगह पर इसका यूज कर सकते हो, स्पेशली जो ईडीएम लवर्स है जहां पर आपको राइजर देना है, अपना बिल्डअप तैयार करना है, वहां पर आप इस इफेक्ट को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। अब इसी के सामने मिल जाता है सिमिलर सा एक और बिल्ड, एंड यहाँ पर भी आपको इसकी इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर हम ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाएं कि इसमें क्या क्या इफेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत सारे इफेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, ये थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर देता है आपकी साउंड्स में। अगर हम इसको फिर से एक बार सुनते हैं, स्प्रिंकल्स में जो आपका हाई एंड होता है उसमें थोड़ी सी सैचुरेशन को ऐड करता रहता है, जिससे आपकी जो डल मेलोडीज होंगी उन पर अगर आप इसको यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। आप देख सकते हो डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिले भी आ रहा है। ऑफ कोर्स फुल कर दोगे तो ये भी वॉश आउट हो जाएगा। एक मैंने ड्रम लूप ले लिया है, अब हम इसको अगर नॉर्मली सुनते हैं ये एक ट्रैप ड्रम लूप है। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, बट यहां पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि एक नॉर्मल ट्रैप हार्ड ट्रैप ड्रम लूप को इजिली ये कैसे कन्वर्ट कर सकता है एक लोफाई ड्रम लूप में। अगर आपने हेडफोन्स पहने होंगे आपको पता चल रहा होगा, हालांकि ऐसा करना चाहिए क्योंकि इसमें जो बेस है उस पर भी इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। फुल तो बिल्कुल भी नहीं करना है ऑफ कोर्स। अगर हम वॉश एंड बिल्ड को भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ये थोड़ा उस टाइप का इफेक्ट आ गया। आपने काफी सारे ट्रैक्स में सुना होगा जब किसी क्लब में म्यूजिक प्ले हो रहा होता है एंड जो आर्टिस्ट होता है वो क्लब से बाहर या कहीं पर होता है तो उसे कैसी आवाज सुनाई जाती है, वो सेम इसी टाइप की होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दो और चीजें जो नीचे है, रिडक्स एंड स्पेस। रिडक्स एक्चुअल में करता क्या है, ये जो आप बैकग्राउंड में विनाइल इफेक्ट सुनते हो जब भी हम इसको किसी सैंपल पर अप्लाई करते हैं। अगेन हमने यहाँ पर एक और ड्रम लूप लिया है जो कि हिप हॉप ड्रम लूप है, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है।
हम नियॉन ग्लो को अप्लाई करेंगे। अब ये थोड़ा सा लोफाई वाइब देगा। तो एक्चुअल में रिडक्स करता क्या है, जो विनाइल इफेक्ट होता है उसको ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा, जो आपका विनाइल इफेक्ट होता है। नॉर्मली बोलूं तो बैकग्राउंड में जो सड़ 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 जैसी आवाज होती है उसको ये डिफरेंट टेक्सचर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेस। ये जो इफेक्ट, ये नेटवर्क ऑफ कोरस इफेक्ट है, उनका एक मिक्सअप है, जिससे कि एक मोर यूनिक इफेक्ट क्रिएट होता है एंड आपका जो साउंड है उसमें मोर स्पेशियस सी वाइब्स आती है। ओवरऑल कुछ यही था इस प्लगइन के फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये प्लगइन मैं बहुत ज्यादा ट्रैक्स में यूज कर चुका हूँ। अभी मैं कुछ आपको ट्रैक्स सुनाऊंगा जहां पर मैंने इसको यूज किया है एंड इसने क्या इफेक्ट क्रिएट किया है। न्यू मूवी जो रिलीज हुई है एनिमल, उसका एक गाना है जमाल कुदू, जिसमें बॉबी सर की एंट्री होती है एंड वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग अभी गाना चल रहा है। तो उसी का मैंने एक रिमिक्स सा क्रिएट किया है, जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा साइकेडेलिक ट्रांस में कन्वर्ट किया है। थोड़ा सा मैं आपको आगे से सुना रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स टी सीरीज का गाना है एंड उनका तो नाम लेने की जरूरत होती है, कॉपीराइट खुद आ जाता है। यहाँ पर ओरिजिनल सैंपल बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। भाई ट्रैक तो मुझे ठीक है, तारीफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट तुम कर सकते हो कमेंट्स में, अच्छा लगता है, अच्छा ट्रैक बनाया, आई नो। तो यहाँ पर हम जाते हैं कि एक्चुअल में ये सैंपल पहले कैसा साउंड कर रहा था। तो यहाँ पर हमने नियॉन ग्लो का यूज किया एंड मैंने कुछ इस टाइप की सेटिंग्स रखी थी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा वॉश इफेक्ट भी चाहिए था एंड बिल्ड भी। विदाउट नियॉन ग्लो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ये सैंपल, ज्यादा प्ले नहीं कर सकता ऑफकोर्स कॉपीराइट की वजह से, बट अगर हम इसको अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद काफी स्पेशियस सी वाइब बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रॉस बीट का यूज किया है, 1/3 गेट रखा है, उससे जो साइकेडेलिक ट्रांस होती है उसका इफेक्ट आता है। एंड जो सेकंड हाफ है ड्रॉप का, उसमें ये वाली मेलोडी प्ले होती है ओरिजिनल सैंपल से। ये जो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक वाइब होती है, ये साइकेडेलिक ट्रेंस में काफी ज्यादा यूज होती है, क्योंकि आपको पता है ये ट्रैक्स ज्यादातर कहाँ पर यूज होते हैं, वहां पर पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, बट हो रहा होता है। ऑफ कोर्स क्रॉस बीट को ऐड करने के बाद आप बहुत सारे क्रिएटिव चीजें कर सकते हो इस प्लगइन के साथ। ये नॉट जस्ट एक लो-फाई प्लगइन है कि हाँ एक लो-फाई प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल होगा, नहीं। ये जो प्लगइन है ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है WA प्रोडक्शन पर एंड मैं पर्सनली इसके बहुत सारे प्लगइन्स यूज करता हूँ WA प्रोडक्शन से। इस प्लगइन का लॉन्च प्राइस है $16 एंड इस पर अभी सेल लगी हुई है, जैसे 14 दिन बचे हुए हैं। 4 जनवरी के बाद ये प्लगइन डायरेक्ट हो जाएगा $99 का, तो आई थिंक $16 बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है इसका। अगर आपको ये प्लगइन पसंद आया या फिर आप टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर आप इसका डेमो भी ले सकते हो, आप जस्ट इसको यूज करो। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रैक्स में काम आने वाला है, जस्ट गो फॉर इट, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 जनवरी से पहले ही कर लेना, क्योंकि फिर ये $99 का हो जाएगा और थोड़ा महंगा हो जाएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में इस तरीके से, तब तक के लिए बाय।